एम 13 टाइम पीरियड दिया है, डिस्प्लेसमेंट उसने दिया है a/3 क्योंकि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट किया आपने, साइन इनवर्स मिला, ये आपको लॉग टेबल से ढूंढना पड़ेगा। इधर आपको 90 डिग्रीज मिलेगा, 90 जाएगा नीचे, इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, ये डिवाइड करेगा और आपको पॉइंट 2173, उधर शायद 2163 दिया है बट वो 2173 आपको कैलकुलेशन से आ जाएगा। इधर आपको लॉग बुक का ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ये अपने पास गिवन है, गिवन आपको पढ़ के मिलेगा क्वेश्चन में से। बी तक आप पहुंच गए हो, बी से लेके फिर से बी आगे और जाना है, तो बी से टू बी तक मुझे जाना है, उसके लिए कितना टाइम लगेगा। वेलोसिटी का इक्वेशन लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सबसे पहला स्टेप है ए निकल, तो ए जब आप निकलोगे एम्पलीट्यूड वो आएगा टू बी, तो आप पहले से किधर तक पहुंच चुके हो, बी पे। आपको कहाँ पे जाना है, बी और आगे जाना है, मतलब एक्चुअली आपको एम्पलीट्यूड तक जाना है। तो देखो जीरो से बी तक हमको लगता है t/12, बी से लेके टू बी तक हमको लगता है t/6, मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन t/4 लगता है। तो ये तीन चीज़ अगर अपने को ध्यान में है तो इस पॉइंट पे अपने को आंसर आ गया सीधा t/6, आप आंसर करो निकल दो। अगर आपको वो ध्यान में नहीं है तो पहले आप 0 to b t/12 नहीं आता है तो आपको वो डेरिवेशन करना पड़ेगा। x के जगह पे b डालो, a के जगह पे 2b डालो, स्मॉल t कैलकुलेट करो, t/4 से सब्ट्रैक्ट करो। प्रॉब्लम नंबर 21 में देखिए ये आपको गिवन दिया है, उसने रीड करेंगे आपको मिलेगा। टॉर्क कैलकुलेट करना है, सो वी नो टाओ इज इक्वल टू आई अल्फा। अभी यहीं पर मैक्सिमम लोग जो अटक गए हैं या प्रॉब्लम आया है, आई जो है आई इट्स अ डिस्क, क्वेश्चन में उसने आपको डिस्क दिया है, सो डिस्क का आंसर है mr²/2। ये आपको पेज नंबर 22 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज 22 पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। अल्फा हमने निकाला है ω²θ। तो इधर मेन जो पार्ट था वो यही था कि आई का क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अभी एंगुलर SHM में अपने को मालूम है अल्फा इज इक्वल टू ω²θ, थीटा 60 डिग्रीज दिया है वो हो गया π/3, ओमेगा इज 2π/T, आई अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सिर्फ आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, अपने पास एक प्लेटफॉर्म है जिस पे एक मास रखा हुआ है एंड द प्लेटफॉर्म इज मूविंग वर्टिकली, सो एट द हाईएस्ट पॉइंट ओनली देयर इज अ चांस कि बॉडी ऊपर गया, दैट प्लेटफॉर्म इज गोइंग अप, वो झटके से रुकेगा तो बॉडी वहाँ से डिस्प्लेस होगा और कॉन्टैक्ट कैन बी लॉस्ट। बाकी कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे कॉन्टैक्ट छूटेगा। तो एक्चुअली हम सॉल्व जो कर रहे हैं वो इस हाईएस्ट पॉइंट के लिए कर रहे हैं। तो अब देखिए इसका वेट किधर एक्ट होगा, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सो वेट इज mg। इन ऑसिलेशंस वी नो दैट f = kx, अभी इधर माइनस साइन नहीं लिया हम लोग ने, वी आर डीलिंग विद नंबर्स, तो f को हम लोग लिखेंगे ma, बट इन दिस केस a के जगह पे g, m को नीचे लिया, k/m इज ω², सो ω² वी गेट g/x, x इज मैक्सिमम बिकॉज इट इज एम्पलीट्यूड, तो ω² इज g/m। तो दिस इज योर स्टेप वन। अब स्टेप टू में देखिए अपने को जो क्वेश्चन पूछा है उसमें, तो पहले हम एनर्जी लिखेंगे, एनर्जी इज हाफ एम ω² a², तो एनर्जी पर यूनिट मास, अपने मास को नीचे ले लिया तो एनर्जी अपॉन मास हो गया हाफ ω² a², इसीलिए हमने पहले ω² निकाला, तो ω² इधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा g/a, मेरा a² अब आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट।